तो नमस्कार भाई लोग, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि नेटफ्लिक्स काम कैसे करता है। तो बेसिकली नेटफ्लिक्स काम करने का मतलब जो तरीका है वो थोड़ा अलग है दूसरे सर्विसेज से। तो इसका मतलब बताएंगे डिटेल में कि कैसे है अलग। तो जनरली अगर आप कोई वेबसाइट खोलते हैं तो होता यह है कि आपका एक सर्वर होता है, जिससे अगर आपका मीडिया स्ट्रीमिंग वेबसाइट ही है मान लीजिए, तो होता है कि आपका वो जो मीडिया स्ट्रीमिंग जो सर्वर है उससे लोग जो है सो डेटा जो है सो स्ट्रीम करते हैं डायरेक्टली, और ऐसा ही होता है। लेकिन नेटफ्लिक्स चूँकि बहुत बड़ा है तो अगर ऐसा करेंगे तो होगा ये कि जो लोग बहुत दूर है सर्वर से उनको लेटेंसी जो है महसूस होगा, उनको लगेगा कि यार कभी कभी वीडियो में बफरिंग आ गया, या वीडियो बहुत स्लोली चल रहा है, या फिर वीडियो जो है सो बहुत लेट चल रहा है। लाइव अगर लाइव शो है तो वीडियो अगर लेट चल रहा है, तो ये सब जो है सो कुछ चीज़ जो है सो उन लोगों को महसूस होगा। तो इसको दूर करने का कोई तरीका, तो दूर करने के लिए जो है सो क्या किया नेटफ्लिक्स, जगह जगह पे रीजन सब पे जो है सो सर्वर बनाना शुरू किया, ना कि सिर्फ एक सिंगल सर्वर लिया और उसी सबको स्ट्रीम करने के लिए बोला। वो चाहे तो ऐसा कर सकता है कि मतलब एक सिंगल बड़ा सा बिल्डिंग में जो है सो बहुत सारा सर्वर लगा देगा और जो ऐसा कर सकता है, लेकिन ऐसे में जो है डेटा का केबल सब जो है सो बहुत जो है मतलब एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो जो है सो इसलिए जो है सो जगह जगह जो है छोटा छोटा सर्वर जो यूज़ करता है और उसी से जो है सो हम लोग स्ट्रीम करते हैं। लेकिन वो सर्वर जो है कभी कभार डायरेक्टली ISP के पास भी ISP के सर्वर में इंस्टॉल्ड होता है। कहने का मतलब जो ISP हो गया, जैसे कि हमारा आइडिया, एयरटेल, जियो, ये सब वगैरह वगैरह हो गया ISP, तो इन लोगों के सर्वर में डायरेक्टली जो है, यहाँ पे ट्रांसफार्मर है क्या? अरे वाह, खेत में ट्रांसफार्मर, क्या बात। हाँ, तो जो है सो वो जो है सो डायरेक्टली ISP के सर्वर में जो है सो अपना सर्वर इंस्टॉल कर लेता है। और इससे होता है कि हम लोग बेसिकली आराम से मज़ा ले पाते हैं नेटफ्लिक्स का बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। तो यही उसके काम करने का तरीका है, वो ऐसी तरीके से काम करता है। और उसमें कुछ और दूसरा बात है कि ये तो हो गया कि स्ट्रीमिंग के लिए, मीडिया सॉफ्टवेयर स्ट्रीमिंग के लिए स्ट्रीमिंग इस तरीके से काम करता है। लेकिन दूसरा बात आ जाता है कि वो जो आपका जो मतलब प्रोसेसिंग होता है उसका, कि कौन सा चीज़ कहाँ क्या आपको दिखाना चाहिए, क्या आप पसंद कर रहे हैं वही आपको दिखाए, तो ये सब जो जनरली जो नॉर्मल डाटा प्रोसेसिंग होता है वो जो सर्वर होता है वो बेसिकली किसी और का यूज़ करता है। और वो जो जिसका यूज़ करता है वो है हमारे महान अमेज़ॉन साहब, यानी AWS, अमेज़ॉन वेब सर्विस क्या बोलते हैं उसको, जो भी हो, तो AWS जो होता है उसी का यूज़ करता है नेटफ्लिक्स भी। तो फिर बात आता है कि अमेज़ॉन का अपना भी जो है सो स्ट्रीमिंग सर्विस है, उसका नाम है अमेज़ॉन प्राइम वीडियो। तो फिर वो अपना सर्वर दूसरे को का है, नेटफ्लिक्स को का ही यूज़ करने देता है। तो देखिए, इसका सिंपल सा रीज़न है कि नेटफ्लिक्स जितना पैसा देता है ना अमेज़ॉन को, बहुत ज़्यादा है, मिलियन बिलियंस में जो है सो सबका ट्रांजेक्शन होता है। तो इसलिए जो है सो नेटफ्लिक्स जो है सो मतलब सॉरी अमेज़ॉन को कोई दिक्कत नहीं है, वो एक तरीके से कंपटीटर है, फिर भी उसको अपना सर्विसेज यूज़ करने के लिए देता है। और जो डेटा सब प्रोसेसिंग होता है अदरवाइज जो वीडियो कंटेंट है उसके अलावा जो डेटा प्रोसेसिंग होता है वो सब अमेज़ॉन वेब सर्विस में होता है, AWS में। तो उम्मीद करते हैं आपको एक जनरल आइडिया लग गया होगा कि नॉर्मली नेटफ्लिक्स काम कैसे करता है। नेटफ्लिक्स बहुत बड़ा कंपनी है, बहुत बड़ा मीडिया स्ट्रीमिंग कंपनी है, बात तो पता होगा, तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो इस वीडियो में हम सारा चीज़ एक्सप्लेन कर दिए, और कुछ बातें हैं जो हमको फ़िलहाल याद नहीं आ रहा। हर एक चीज़ पता नहीं क्यों हर बार हर चीज़ याद नहीं आता है, तो जो हमको याद था हम बता दिए आपको। बाकी चीज़ अगर याद आएगा तो मे भी हो सकता है एक और वीडियो बना देंगे उसके ऊपर। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, पीस, अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद, जय भारत।